मासिक धर्म को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। महिलाओं को छुट्टी देने की लगी गुहार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन पीरियड को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान छुट्टी सुनिश्चित करने के मुद्दे पर एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश देने और भारत की फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन के लिए मासिक धर्म दर्द अवकाश की मांग की गई है। अब आपको बताते हैं आखिर इस याचिका में है क्या। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द की छुट्टी के नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है और साथ ही इस याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के भी निर्देश की मांग की गई है, जिसमें उन प्रावधानों को लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति किया जाता है। आपको बता दें एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में कहा कि अभी मौजूदा दौर में सिर्फ एक बिहार ही ऐसा राज्य है जो 1992 की नीति के तहत महिलाओं को विशेष मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान करता है। ऐसे में देश के बाकी राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द या मासिक धर्म की छुट्टी से इनकार करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है कि मासिक धर्म में दर्द से राहत के लिए अवकाश को लेकर लेजिस्लेटिव विल की कमी है, क्योंकि इससे संबंधित मामलों पर लोकसभा में दो निजी सदस्य बिल पेश किए गए थे पर दोनों ही बिल लैप्स हो गए। और साथ ही इस याचिका में ये भी कहा गया कि कुछ ग्रुप्स और राज्य सरकारों को छोड़कर सोसाइटी विधायिका और अन्य हितधारकों ने जाने अनजाने में मासिक धर्म की अवधि में छुट्टी की मांग को अनदेखा किया है। इस जनहित याचिका के मुताबिक कुछ इंडियन कंपनीज जैसे जोमैटो, बायजूस, स्विगी, ARC, मैक्सचर और इवपिन पेड पीरियड लीव ऑफर करती हैं। वहीं UK, ताइवान, साउथ कोरिया, जाम्बिया, स्पेन, इंडोनेशिया और जापान पहले से ही किसी न किसी रूप में मासिक धर्म दर्द अवकाश दे रहे हैं, लिहाजा भारत में भी सभी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को इसकी परिपालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए ऑन एयर भारत।